सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। बांगरमऊ उन्नाव उप जिलाधिकारी उदित नारायण सिंह ने आज राजस्व एवं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ गंगा बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया। क्षेत्र में गंगा नदी का जलस्तर बीते सोमवार को स्थिर रहा, लेकिन आज जलस्तर घटना शुरू हो गया है, जिससे तहसील प्रशासन ने राहत की सांस ली है। कटरी के 6 गांव अभी भी टापू बने हुए हैं। द्वाबा क्षेत्र में आवाज ग्रामीणों का ब्लॉक मुख्यालय के लिए आवागमन अभी भी नाव के जरिए हो रहा है। ग्राम कटरी गदनपुर आहार के प्रधान जितेंद्र कुमार के अनुसार बीते सोमवार को गंगा नदी का जलस्तर स्थिर रहा था, लेकिन आज बीती रात से जलस्तर में घटोत्तरी शुरू हो गई है। अब तक गंगा नदी का जलस्तर करीब 10 सेंटीमीटर नीचे जा चुका है। चूंकि खेतों में अरसे तक जलभराव बरकरार रहने से फसलें सड़कर नष्ट हो चुकी हैं, इसलिए बाढ़ से फसलों के नुकसान की भरपाई संभव नहीं है। कटरी दोआबा में बसे गांव मल्लाहनपुरवा, कुशालपुरवा, हरिगंज, दुल्लापुरवा, धन्नापुरवा व नयापुरवा अभी भी टापू बने हुए हैं। गंगा नदी की दो धाराओं के बीच बसे मजरों के लोग रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए अभी भी नाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। फिर भी ग्रामीणों को आशा है कि यदि इसी तरह गंगा नदी का जलस्तर घटता रहा तो मात्र एक हफ्ते के अंदर ग्रामीणों और जानवरों के आवागमन की राहत मिल सकती है। रिपोर्ट मोहम्मद इरफान खान, बांगरमऊ, उन्नाव।